श्री राम समर्थ जुलाई 17। गुरु ने जो साधन बताया है उसका अनन्य भाव से आचरण करें। एक बार ऐसा हुआ कि एक स्त्री के बच्चा हुआ और बच्चा होते ही उसे कहीं और ले गए। कुछ वर्षों के बाद उन दोनों की भेंट हुई। तब न उस बच्चे की समझ में आया कि यह मेरी माँ है और न उस स्त्री की कि यह मेरा बेटा है। हमारा भी ठीक ऐसा हुआ है। यही हम भूल गए हैं कि हम यहाँ काहे के लिए आए हैं। सच पूछा जाए तो हमने यहाँ एक निश्चित कार्य के लिए जन्म लिया है और वह कार्य है मनुष्य देह में परमात्मा को पहचानना। लेकिन हम विषयों में डूब गए हैं, इसलिए हम परमार्थ की बात भूल गए हैं। विषयों में ही आनंद मानने लगे हैं और उसी में सुख मिले ऐसी आशा कर रहे हैं। किंतु विषय ही जब मिथ्या है तब उनसे सुख मिल भी कैसे सकता है, और जो सुख मिलता है वह भी अंत में मिथ्या ही सिद्ध होता है। अतः हम विषय से विरक्त हो तभी भक्ति की जा सकती है, और जब विषय से विरक्ति होती है तभी भक्ति का आरंभ होता है। गुरु भी आखिर क्या करते हैं, वे हमें यही समझा देते हैं कि विषय मिथ्या है, उनसे हमें सुख नहीं मिलेगा। अतः इसी में हमारा हित है कि उनके कहने के अनुसार हम चले। गुरु के बताए साधन के सिवाय और जो जो भी साधन करोगे उनसे कष्ट ही होंगे। इस तरह साधन के लिए कितने ही दौड़ धूप की जाए, शरीर को कष्ट दिए जाए, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि गुरु को छोड़कर जो परिश्रम किए जाते हैं उसका कोई उपयोग नहीं होता। गुरु का बताया हुआ साधन हम तुच्छ माने और अपने मन से किया गया साधन श्रेष्ठ लगे तो यह गुरु को गौण मानने जैसा हुआ। असल बात तो हमारी यह भावना दृढ़ हो कि गुरु सर्वज्ञ है और वे ही प्रत्यक्ष परमात्मा है। जब ऐसी भावना दृढ़ होती है तब गुरु के वचनों पर हमारा विश्वास होने लगता है कि वह जो बताते हैं वही सच्चा साधन है। गुरु भी आखिर क्या कहते हैं, यही कि नाम ही सत्य है और नामस्मरण के लिए और किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। यही बात वे हमारे गले उतार देते हैं। यह पूर्णतया सत्य है कि नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। गुरु के बताए साधन का पालन पतिव्रता नारी के समान निष्ठा से करे। वह जैसे मानती है कि मेरे पति के सिवाय और कोई पुरुष है ही नहीं, वैसे हम अपना साधन अति निष्ठा से करें। जो ऐसा अनन्य भाव से करता है उसी के बारे में कहा जा सकता है कि उसने गुरु की आज्ञा को प्रमाण माना और इसीलिए उसे सच्चा सुख प्राप्त हुआ। कहीं तो हमारा प्रेम हो, किसी पर तो हमारा विश्वास हो, किसी को तो हम अपना माने। हम सदा ऐसी इच्छा करते हैं कि हम गुरु के होकर रह सके। जितनी अपेक्षा से हम गृहस्थी में सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, उतनी सब यदि हम भगवान की प्राप्ति के लिए करें तो हमें अवश्य सुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का मुख्य विचार, सद्गुरु की आज्ञा को प्रमाण मानना ही साधनों में साधन है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।